मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर आज फिर एक घोटालेबाज अधिकारी ने ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी की गई। दरअसल यह पूरा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आया था। भ्रष्टाचार को लेकर भभुआ नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक अधिकारी अनुभूति प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अनुभूति श्रीवास्तव इन दिनों हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी पद पर थे, लेकिन 18 अगस्त को उन्हें निलंबित कर दिया गया था और आज 1 सितंबर को विशेष निगरानी इकाई के द्वारा इनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। यह पूरा मामला करोड़ों के आय से अधिक संपत्ति का है। अभी तक छापेमारी में बरामद संपत्तियों की जांच का खुलासा नहीं किया गया है। जो भी जानकारी आपको विशेष निगरानी इकाई से मिलेगी, आप लोग विशेष निगरानी इकाई से ही हैं। कितने अधिकारियों की टीम लगी है यहाँ पर? यहाँ पर 10 अधिकारी हैं। 10 अधिकारी। नेतृत्व कौन किस स्तर के अधिकारी का था? DSP रैंक का पदाधिकारी। प्राइम ऑफिसर फाइंडिंग्स क्या रही थोड़ी सी जानकारी? विशेष जानकारी आपको हमारे विशेष निगरानी इकाई के ऑफिस से मिल जाएगा। आय से अधिक संपत्ति का मामला है? आय से अधिक संपत्ति का मामला। कितना क्या कुछ आप लम्स? अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते इसके मामले में। हाँ, और कई जगह चल रही है अभी, अब इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपको जो भी जानकारी है विशेष निगरानी का ही दरोगा रायपत से आपको मिले। एक अंतिम छापेमारी शुरू हुई है, आप लोग हमें सहयोग करें। ये कुछ जानकारी सर, एक अंतिम सवाल बस, क्या राज्य के बाहर भी छापेमारी चल रही है? बस अभी हम आपको, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल बात है, जो भी आपको जानकारी है आपके साथ पूरा सहयोग है हम लोगों का। ठीक, और आपको जानकारी दी। ठीक थैंक यू। चलिए ठीक, हो गया, आप लोग सहयोग करें। हाँ नहीं ठीक है, हम लोग चलिए सहयोग कर रहे हैं आपको, क्यों डिस्टर्ब। हम लोग सर ठीक, एक सही बना लो आलम। हाँ हाँ, और कुछ न हो गया? नहीं नहीं लिया, रिकॉर्ड किया जी। हाँ ठीक है, ठीक है।